दिल तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा, तुमसे किसने कहा मुझे इश्क दोबारा होगा, किनारा करने वालों से किनारा हो भी सकता है, मजाजी इश्क अजायब दोबारा हो भी सकता है। हमेशा पास था के सौ जन्म, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, और ये समझो वो यार का सताया हुआ है, यार को देखने के दुनिया जलने वाली है। नहीं मैं पढ़ चुकी हूँ इधर से साइंस की। साइंस की जो टीचर है वो जैसे गेट से अंदर एंटर होती है, बच्चे कहते हैं कि ना करे, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। होती मेरी गल नहीं होती, दिल दी मुश्किल हल नहीं होती। भूत बंगले में भूत, भूत बंगले में भूत है, डराए हमें, डर लगना शुरू हो रहा है। वो जादू करनी हो होती है, जादू कर भी लेती है। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे, मैनू तू ले जा कितने दूर मेरे आनिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुमसे रियाज रांझे और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। आज मैं एक निजी स्कूल में मौजूद हूं जहां पे मीना बाज़ार लगाया गया है, और आपने मीना बाज़ार की बड़ी वर्त सुनी होगी कि हम बचपन से हमेशा हमारे स्कूल कॉलेजेस में मीना बाज़ार लगाया जाता है। तो यहां पे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि चारों तरफ बच्चे ही बच्चे, बल्कि एक टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि ये टीचर इस हवाले से क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम आरफा। मुझे ये बताएं कि जहाँ तक मैंने पढ़ा, मुझे ऐसे लगता है जैसे आपने इसी स्कूल में पढ़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पे पढ़ती थी? पढ़ी भी हूँ यहाँ, मैंने 2.5 साल जॉब भी की है एज ए असिस्टेंट। और कितने साल पहले आप पढ़े? ये मैंने यहाँ से 1879 में मैंने यहाँ से मैट्रिक की थी। 84-85 आफ्टर बीए ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे टीचिंग की है, और फिर 88 में मेरी जॉब रेगुलर हो गई थी सांबाद। तो आपके तो इस लाइफ के अंदर काफ़ी मीना बाज़ार आए होंगे, तो मुझे ये बताएं आज वाले मीना बाज़ार की क्या इंटरेस्टिंग बात? इसकी ये वजह है कि ये मेरे बचपन का स्कूल है, मेरे सारा टाइम, मेरा जो प्राइम टाइम है वो यहाँ गुजरा है, तो मुझे तो इससे जो वाबस्तगी है, जो मोहब्बत है, वो तो अपनी जगह। लेकिन जिस इदारे में अब हूँ, मैं वहाँ भी 35 ईयर्स हो गए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ उसकी भी मोहब्बत वैसी ही है जैसे इसके साथ मोहब्बत वैसी है। जी लें जी आगे चलते हैं जी, इधर काफ़ी बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से भी बात करते हैं और दिखाता हूँ यहाँ पे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे गिर भी रहे हैं, और ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? वी आर फाइन। मुझे ये बताओ कितना अच्छा लग रहा है मीना बाजार में आके? बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, क्या क्या खाया है? हमने आज नानटी की खाई है, चाट खाई है और पान खाया है। जा रही हूं। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? तो मुझे ये बताओ कि यहाँ कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 7th क्लास। 7th में पढ़ रही हो? मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। आप अपनी फ्रेंड के साथ? आप स्कूल की नहीं हो? नहीं। इन्हें जल्दी से बाहर निकाले। आप इधर की? मैं इधर की हूँ। तो क्या करने आई है? मैं यहाँ पे फन फेयर एंजॉय करने आई हूँ। तो जब पढ़ाई के लिए मैडम बुलाती है तो आप स्कूल में आती नहीं, आज फन फेयर है तो आज सुबह सुबह आ गई। आपको कैसे पता? हमें तो फिर पता होता है, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रात को नींद नहीं आ रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी, सुबह जाना है। तो मुझे बताओ कि कोई गाना शाना आता है? मैं नहीं, मेरी आवाज़। कुछ सुनाना चाहोगी? मेरी आवाज अच्छी नहीं है। मिल के गा लोगी? कौन सा गाओ? गाएं जी। यारा तेरी मेरी, हाँ सुनाएं। यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है, यार को देखने के दुनिया जलने वाली है, यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इनकी यारी सबसे प्यारी, एक छोटी सी गुड़िया यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाउ आर यू? ठीक। तो मुझे ये बताओ, इधर आओ, इस साइड पे आओ, इस साइड पे आओ, इस साइड पे आओ। मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी? 4 में पढ़ रही हो। सबसे अच्छी मैडम कौन सी है? मैं स्कूल की नहीं हूँ। आप इस स्कूल की नहीं हो, इसे भी निकाले निकाले तो फिर करने क्या हुई स्कूल की नहीं हो तो? मैं अपनी कजन के साथ आई हूँ। कजन के साथ आई हो, ठीक है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पढ़ाती हैं या पढ़ती हैं? नहीं मैं पढ़ चुकी हूँ इधर से। आप पढ़ चुकी हैं, तो आज खैरियत से आई हैं? जी टीचर से मिलने आई। टीचर से मिलने आई थी। तो मुझे ये बताएं, जब एक बार जिस स्कूल से एक बार बच्चा पढ़ के चला जाता है, जब दोबारा उस स्कूल में वापस आता है, और वो भी मीना बाजार पे आता है, तो कितना अच्छा लगता है? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है। इनका ये कह रही है हमारे इंटरव्यू ले आए जी बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोना। मोना, मोना आपको गाने आते? नहीं आते, आते गा,
जाना। अच्छा मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी? मैं 5 में हूँ। अभी 5 में ही पहुँची हो तो मुझे बताओ बड़ी होकर क्या बनना चाहती? मैंने आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है। सबसे ऐसी टीचर कौन सी आपको अच्छी नहीं लगती जो आती जाए गेट से तो आप कहती है कि यार ये तो बीमारी नहीं होती? कोई भी नहीं है। एक वो पीछे से बच्ची ने बताया, साइंस की जो टीचर है वो जैसे गेट से अंदर एंटर होती है बच्चे कहते हैं कि ना करें। ले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइंस की टीचर से आपको भी डर लगता है? नहीं, मुझे तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार है। आप कौन सी क्लास में पढ़ी? 7। 7 में पढ़ी है तो कोई मिलजुल के कोई गाना शाना आता है आप लोगों को? कौन सा गाना सुनाऊं? सुना दे, कोई सुना दे। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सौ जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। क्लैपिंग कर दें इसके लिए, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना गाया है। हेलो हेलो, क्या हाल है? आई एम फाइन। पढ़ी लिखी बच्ची, मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी? पढ़ती तो पढ़ी लिखी होगी ना। कौन सी क्लास में पढ़ी? नाइन्थ। नाइन्थ में चली गई हो। अच्छा, नाइन्थ का सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। और सबसे अच्छी मैडम कौन सी है? मैम नुज़हत। और सबसे ज्यादा सख्त कौन सी है? मैम नुज़हत। मैडम नुज़हत सबसे ज्यादा सख्त है। क्यों, मारती है? नहीं मारती, वो कोऑर्डिनेटर है ना, तो लाइक उसे डर लगता है। तो मुझे बताओ कि क्या सुनाओगी? गालियां। वो नहीं सुनानी, वो नहीं सुनानी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ले जी आगे चलते हैं। और भी काफी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है? अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ जिधर जिधर, बल्कि ये एक स्टॉल लगा हुआ है पकौड़े पे। ये कह रही है हमारे पास आए, हमारे पास आए। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताया कौन सी क्लास में पढ़ी? मैं 8 में पढ़ रही हूँ। 8 में पढ़ रही हो, तो सबसे अच्छी टीचर कौन सी? यहाँ पे मिस रुबीना बहुत अच्छी है। और एक मैडम है जिसे देख के डर लगता है, वो कौन सी? पता नहीं। साइंस की? हाँ साइंस, मैथ्स की होंगी। मैथ की होंगी, मैथ और साइंस। अभी मैं उन तक पहुंच जाऊंगा, मैथ और साइंस। उनका नाम क्या क्या? नाम नहीं लेते। नाम नहीं लेते, वो मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। हेलो जी, खैरियत से आई हो? Yes, I'm fine. तो जिस दिन कहते हैं पेपर है, टेस्ट है, उस दिन आती नहीं हो? सेकंड ईयर की क्लास हूँ और यहाँ मैं। सेकंड ईयर में चली गई जी। क्या आईकॉम कर रही हो? नहीं, FSC. FSC कर रही हो। तो मुझे बताओ कुछ सुनाना चाहोगी? क्या सुनाऊं? कोई गाना सुना, कोई सुना दो। शेर आता है, शेर सुना दो। नहीं शेर नहीं आता, वो आई मेरे बैन। उधर शेर आ गया, आओ बेचा। क्या नाम है? अंजेश रहमानी। शेर सुनाऊं? जी शेर सुना दे, गाना सुना। अगर माइक आपने पकड़े तो घर चला जाता हूँ। अच्छा, शेर सुनाऊं? जी शेर सुनाएं, फिर गाना सुनाएं, जो कुछ सुनाऊंगी। दिल तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा, तुमसे किसने कहा मुझे इश्क दोबारा होगा, किनारा करने वालों से किनारा हो भी सकता है, मजाज इश्क साहिब दोबारा हो भी सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। नहीं जी, अब मैं आपको चिप्स और पकौड़ों के स्टॉल पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे बड़े ज़बरदस्त और खूबसूरत खूबसूरत पकौड़े बन रहे हैं। अंदर चलते हैं जी, देखते हैं कि क्या क्या बन रहा है और क्या क्या हो रहा है। और ये खुद ही खा भी रही है, हमें भी नहीं दे रही। ले जी, बेहतरीन स्कूल के अंदर तालीम के साथ साथ मज़ेदार पकौड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े ज़बरदस्त पकौड़े बना रही है, कहाँ से सीखे ये? मैंने बचपन से सीखे। तो मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर तो ये काफ़ी मीना बाज़ार आए होंगे, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि आज ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था पकौड़े बनाने का। अच्छा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे रही हैं? नहीं नहीं, 100 रुपीस। 100 इनके करीब नहीं जाना, 100 महंगे। बाहर चलते, बाहर बहुत बच्चे, बहुत बच्चे, बहुत बच्चे, बहुत बच्चे। ये बच्ची कह रही है मैंने शेर सुना, नाम बताएं अपना। रिदा इसहाक। रिदा इसहाक, रिदा इसहाक, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो। ऐसी टीचर का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा मारती हो। मैम हीना। मैडम हीना, गुड। तो मुझे ये बताओ मैडम हीना क्यों मारती? वैसे वैसे ही मार देती। अच्छा, मैं मैडम हीना के पास जाता हूँ, मुझे ये बताओ, शेर सुनाओ।
शेर ओदी मेरी गल नहीं हुंदी, ओदी मेरी गल नहीं हुंदी, दिल दी मुश्किल हल नहीं हुंदी, सजना दे दर्शन नहीं पे हुंदे, ताइयां तबीयत दुआल नहीं हुंदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बच्ची भी मैडम हिना के हाथों से सताई हुई है, इसे भी मैडम हिना मारती हैं। ले जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, बड़ी रौनक लगी हुई है और इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। ये इनका स्टेज है, स्टेज के ऊपर चलते हैं। ये बच्चे यहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ती हैं जी? कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर कर ली है। सेकंड ईयर क्या आईकॉम कर रही जी? आईकॉम कर रही एफए। एफए कर रही आर्ट्स में जी। अच्छा, तो मुझे बताया कि ख्वाब क्या है, बड़ी होकर क्या बनना चाहती? मैंने शेफ। शेफ बनना चाहती है, तो वो तो पढ़ाई वैसे भी छोड़ दे तो बन जाएंगी? नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना, प्रॉपर कोर्स होता तो फिर। मुझे ये बताएं कि एफए की सबसे ज्यादा सख्त मैडम कौन सी? मेरी कॉलेज की। जो एज की है ज्यादा, जो मतलब क्या कहते हैं, बूढ़ी बूढ़ी सी है। गुड हो गया, गुड हो गया। आगे चलते हैं, और भी ये इतने ज्यादा बच्चे, क्या कहोगी? कुछ भी। मीना बाजार में मजा आ रहा है? नहीं आ रहा। आ रहा है। पढ़ती कौन सी क्लास में? फोर। फोर में पढ़ती हो, गुड हो गया। आप कुछ सुनाना चाहेंगी? No. कुछ नहीं सुनाना चाहती, कुछ भी नहीं सुनाना चाहती। आगे चलते हैं जी। ये भूत बंगले में क्या है? भूत बंगले में भूत। भूत बंगले में भूत है, भूत है। हट जाओ आगे से, हट जाओ, हट जाओ। आगे चलते हैं जी, और भी इधर काफी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं। ये बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? ज़ैनब। ज़ैनब, छोटी सी हो, टू क्लास में? जी। कुछ सुनाना चाहती है, कोई पोइम आती है? नहीं आती, बहुत अच्छी बात, आनी भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं जी। भूत बंगला, इनका एक भूत बंगला यहाँ पे स्कूल के अंदर एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद है। उस भूत बंगले में मैं भी जाता हूँ और देखता हूँ। ये यू के भूत है जी, यू के भूत है। हट जाए, हट जाए। भूत बंगला, भूत बंगला, डराए डराए हमें, डर लगना शुरू हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देख लें जी, ये छोटे छोटे यहाँ पे भूत मौजूद हैं, और ये सारे भी भूत हैं। अच्छा, भूत अंदर हैं जी, अंदर चलते हैं जी, बल्कि नहीं, अभी भूत तैयार हो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भूत अंदर हैं जी, और ये इनकी क्लासेस हैं, बड़ी ज़बरदस्त साफ सुथरी सी। ये छोटे छोटे भूत अभी रेडी हो रहे हैं, इन्हें होने दें। आगे चलते हैं जी। आगे किधर है भूत बंगला जिधर हमने जा, अरे ये भूत हैं जी, ये देख सकते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भूत, नाम क्या आपका? आमना। आमना, तो ये कहाँ से इतना अच्छा स्टाइल बनाया, किसने बनाया? मैडम ने बनाया? नहीं, मैंने खुद। आपने खुद बनाया? तो मुझे बताओ कि सबसे अच्छी टीचर कौन सी है? मैम हिना। मैडम हिना, हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। भूत, आपको तो उर्दू भी आती है? जी है? तो भूत बन के कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। तो आज के मीना बाजार के बारे में क्या कहो आप? जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और भूत, ये इतने भूत, इतने बच्चे तो पूरे स्कूल में नहीं है जितने इस भूत बंगले से बाहर आ रहे हैं। और ये कोई मैजिशियन, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक जबरदस्त किस्म का एक मैजिशियन आपको दिखाता हूँ। इनके पास चलते। हेलो। हेलो, क्या नाम है? जवेरिया विक्टर। जवेरिया, क्या बनी हुई हो? विच। विच, वो क्या होता है? वो जादूगरनी होती है। तो जादू कर भी लेती हो? कर लेती है, कर ले, बहुत अच्छी। आगे चलते, आगे भी है जी? आगे अभी भूत तैयार हो रहे हैं, भूत तैयार हो रहे हैं। आगे चलते हैं जी, बाहर चलते हैं, बाहर भी काफी बच्चे मौजूद हैं, और कुछ भूत अभी तैयार ना हो के भी मुझे भूत ही लग रहे हैं। और बहुत जबरदस्त किस्म के बच्चे हैं जी यहाँ पे, और ये सारे बच्चे इधर देखने के लिए, इनमें से भी किसी से बात करते हैं जो कोई बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम जी। सब वालेकुम अस्सलाम भाई। बहुत जबरदस्त ये आइडिया रहा है, हम तो ये सिस्टर जी को कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी, और ये सुपर है, फिर डुपर रहेगा प्रोग्राम। आप इधर टीचर हैं? नहीं नहीं, मैं पेरेंट्स हूँ। पेरेंट्स है, कोई टीचर यहाँ पे मौजूद है? मैडम हिना कौन है? मैडम हिना आप है? नहीं, मैडम हिना आप है? हाँ, अच्छा, मैडम हिना से मिलना है, क्योंकि वो बच्चे कहते हैं कि वो मारती बहुत ज्यादा है, उन्हें मैंने शाबाश देनी। ले जी, बाहर चलते हैं, और ये अब मैं भूत बंगले से बाहर आ रहा हूँ, और बहुत ही खूबसूरत आवाज में कोई गाना गा रहा है। ले जी आगे चलते हैं, हर जगह। और यहाँ देख सकते हैं कि जी यहाँ तमाम स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और चारों तरफ देखा जाए तो बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं।
कुछ छोटे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे, कुछ थ्री क्लास के। अब मैं आपको आखिर में थोड़े से ये स्टॉल दिखाता हूँ और इन पे जो लिखा हुआ है वो दिखाता हूँ। लिखा हुआ है जी, आओ आओ नान टिक्की और रायते का चस्का लगाओ, जान बनाओ। उसके बाद लिखा हुआ जी, आए आए गर्मा गर्म नान टिक्की खाएं। उसके बाद उससे आगे लिखा हुआ जी, चना चाट करारी और मज़ेदार, रुपीज ओनली 100, उसके अलावा नहीं, ओनली 100 पे यहाँ खाया भी जा रहा है। और बहुत ज़बरदस्त, बल्कि इनसे बात भी करते हैं कि ओनली 100 के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मिसेस। ओके ओके ओके, मुझे ये बताएं कि 100 रुपीज़ में कितने 100 कमा लिए? बहुत से कमा लिए, बहुत सारे कमा लिए। ये जी घर से बनवा के लाई? हाँ जी, घर से बना के लाए, घर से बना के लाई। और यहाँ पे जितने ये बच्चे हैं सारे लाल लाल नोट लेके 100-100 के यहाँ आए हुए। इससे अगले स्टॉल पे चलते हैं जी। आए आए मज़ेदार मैक्रोनी खाएं, और ऊपर लिखा हुआ है आए आए मेहंदी लगवाएं, और प्लीज़ कम एंड ईट टेस्टी। अब जिस दुकान पे मैं आपको जा रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, अपने हुस्न को निखारें हमारी ज्वेलरी से। और अगर अंदर जाके देखें तो अंदर कुछ और ही चल रहा है, नमक लगा लगा के हटे जी। अस्सलाम वालेकुम। यकीन करें बड़ा अच्छा लगे इधर आके कि ऊपर मेहंदी नीचे ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। तो ये फ्री में दे रही है? नहीं नहीं, 100 रुपए की? नहीं नहीं, 20 की। 20 की जी। यहाँ आके आप गाजरे खा सकते हैं। इससे आगे चलें जी, खा के पान बनारस वाला खुल जाए बंद, अकल का तारा, जिन लोगों की अकल ताला हटे जी, जिन लोगों में अकल मेरी तरह कम है वो यहाँ आ जाए और खुलवा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वेयर इज पान? ओवर देयर। ये पान है जी, और ये आ गए जी। और ये किस तरह के पान है और कितने के पान है? 100 रुपीज का पान है। 100 रुपीज का पान है और बच्चे ही बच्चे। और ये मीठा पान है जी, ये सामने मशहूरी लग गई, ये 100-100 वाले बच्चे भी आ गए। नहीं जी, आगे चलते हैं, एक दो और बच्चों से बात करते हैं और फिर, क्योंकि अब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, एक दो और बच्चों से बात कर लेते हैं। अब तो बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुनैना। सुनैना, क्या सुनाओगी? कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। पढ़ती कौन सी क्लास में? 7B। 8 में पास हो जाओगी? जी। बट अभी हो 7 में, तो 8 में कैसे पास हो सकती है। नहीं जी, आगे चलते हैं जी। इधर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाए कि चारों तरफ छोटे बड़े तमाम इस निजी स्कूल के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस फंक्शन को, इस मीना बाज़ार को एंजॉय करने आए हैं। मैं खुद इस मीना बाज़ार में आया हूँ, जब अपने बचपन में थे तो मीना बाज़ार में मैं भी देखता था, और भी जो मुझे, बल्कि ये कुछ बैठे हुए बच्चे, नो रुकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सायरा शहजाद। तो मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4B में। 4th क्लास में पढ़ती हो। तो मुझे ये बताओ बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैं जज। जज बनना चाहती हूँ, इंसाफ लाना चाहती हूँ। यस। गुड। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ आके इस मीना बाजार में कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रही है। तो कोई सुनाओगी, कोई शेर गाना आता है? नहीं। अगली बार सीख के आना। किसी को आता है? आपको गाना आता है? सुनाओ। हाँ, मिल के गाओ, सब आ जाओ, मिल के गाओ जी। ये जितनी फ्रेंड्स हैं ये सब मिल के, आपको आते हैं? सुनाओ, गाएं जी। ये बच्चा किसका उठा के ले आई? अंकल मेरी बहन है। मेरी बहन है तो इसे घर छोड़ना था, यहाँ क्या करने आ गई? तो फनफेयर पे सब बुलाओ। सब बुलाओ तो अच्छा, सुनाओ फिर, सुनाओ सुनाओ बच्चे, सुनाओ। तू शुरू कर, मैं गाती। बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बहारों की रुत है फिर भी मेरे, बाग का फूल मुरझाया हुआ है, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, और ये समझो वो यार का सताया हुआ है, मेरे यार पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, और ये समझो वो यार का सताया हुआ है, हम पीते नहीं है पिलाई गई अब तक ना वो भुलाई गई, जो कब्रों में बैठ के शायरी करे हम वो जख्मों में शायर बनाया हुआ है, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, और ये समझो वो यार का सताया हुआ है।
वेरी नाइस क्लैपिंग कर दे इनके लिए, बहुत अच्छी। आप आपको भी गाना आता है तो फिर क्या करने आई हो? आपको आता है? क्या नाम है? हरीम मलिक। हरीम आपका क्या? अलिशबा मोइन। अलिशबा कितना मजा आ रहा है इधर? बहुत ज्यादा। दोनों क्लास फेलो? यस। सबसे सख्त मैडम कौन सी है? मैम शकीला। मैडम शकीला क्या पढ़ाती है? साइंस। साइंस पढ़ाती है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर आज आप यहाँ ना आती तो क्या कर रही होती? घर में बोर हो रहे होते। घर में तो आज छुट्टी तो थी नहीं? हम सो रहे होते। सो रहे होते। आप सो रहे होते तो कुछ सुनाना चाहोगी? नहीं। अच्छी बात है, ना सुनाओ, ना सुनाओ। आपने भी सुनाना है? सुनाओ। इंटरव्यू पेपर ले, मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। लेकिन आगे चलते हैं, और भी इधर काफी बच्चे, जिधर जाओ। अरे इतना मोटा पान खा रही हो, इतना बड़ा मुंह तो है नहीं। आपसे तो बात होगी, इनसे बात करते डर रही हैं। नहीं जी, बहुत मजा आ रहा है, और यकीन करें बच्चे ही बच्चे, जिधर देखे बच्चे ही बच्चे। और भी और इस साइड पे चलते ही जो बच्चे पुरअमन तरीके से बैठे, आपने शेयर कर रहे हैं, सुनाए। वक्त खराब है ता चुपा, वक्त खराब है ता चुपा, शरीको सारे दा हिसाब होएगा जिस दिन मेरा दिमाग खराब होएगा। जिस दिन मेरा दिमाग खराब होएगा उस दिन सारे दा हिसाब होएगा। लेकिन जी आगे चलते हैं, कोई ये बच्चे जो पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं इनसे भी बात करते हैं, और देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमाइमा। अमायमा इतने पुरअमन तरीके से बैठी हुई, एंजॉय क्यों नहीं कर रही? बस ऐसे ही। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? मैं फर्स्ट ईयर हूँ। फर्स्ट ईयर में कैफे कर रही हूँ? यस। आईसीएस कर रही हूँ? आईसीएस नहीं कर रही, आईकॉम कर रही हूँ। आईकॉम कर रही है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको आती होगी? अकाउंटिंग क्लास है। फ्रैंक सो में राइजिंग, कहाँ से आए ये बच्चे, कहाँ से बच्चे ये आए जिन्हें अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं आती। बैठे जाएं भागे इधर से, जगह खाली करें। यहाँ से मैं अब आपको दिखाऊं कि ये इस निजी स्कूल के अंदर बच्चे खा पी भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तमाम दोस्तें इनकी इकट्ठी हुई हैं, कुछ पेरेंट्स भी बीच में मौजूद हैं, कुछ टीचर्स भी बीच में मौजूद हैं, और काफ़ी इधर मैं समझता हूँ कि मज़ा आ रहा है। और यहाँ आके जितने बच्चे, और यहाँ ये क्योंकि एक ऐसा मीना बाज़ार है जो हम बचपन से सुनते हैं देखते हैं, और यहाँ आके एक बार फिर याद ताज़ा हो जाती है इस मीना बाज़ार को देख के। और बहुत ही यकीन करें आउट क्लास मज़ा आ रहा है। और जिधर जिधर बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे, छोटे बड़े जिन भूत बने हुए बच्चे ही बच्चे हैं। किसी और भी कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये इन बच्चों का दिल चाह रहा है। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। गुड। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम 8 में पढ़ती हो तो मुझे गुड। इतने शरारती बच्चों, तो मुझे ये बताओ कि तीनों क्लास हेलो? यस। आगे पीछे कोई सहमत में, कोई 8 में? ऐसा ही है। तो मुझे ये बताओ कि तीनों में से सबसे ज्यादा कंजूस कौन है? मैं। तो जिसका नाम ले रही थी वो कौन सी मैडम थी जो कंजूस है? मैंने किसको कहा है? मैंने तो मैडम रुबीना। नहीं, हमने नहीं कहा किसी को। मैडम रुबीना ने कभी आइसक्रीम खिलाई? नहीं खिलाई ना। खिलाई तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मैडम रुबीना इज अ कंजूस लेडी। तो ये मुझे बताओ क्या सुनाओगी? हम कोई गाना, कोई शेर आता है? कोई पोइम आती? ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। ट्विंकल इन द स्काई। बहुत जबरदस्त, शरारती बच्चे। आगे चलते हैं जी, और भी काफी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अंकल जी, अंकल खेलो। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजर आ रहा है जी यहाँ पे क्या चल रहा है जी? तो मुझे ये बताओ, जायका? नहीं, टोपी नहीं मिली जायका वालों की, ले आई हो? नहीं। मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी? 5 में पढ़ी। बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? इंसान बनना चाहती हो। मुझे बताओ मीना बाजार में आके कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई पोइम आती है? यस सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder you what you are, up above ever so high, like a diamond in the... कोई और पोइम नहीं आती? नहीं आएगी भी नहीं। आगे चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बोलो। ईशान। ईशान कौन सी क्लास में पढ़ी हो? 1। पोइम आती है? आती है। सुनाओ।
जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर ईटिंग शुगर ही बोल रही हूँ नो पापा ही बोल रही हूँ हाँ बोलो ना आगे बोल रही हूँ ना ईटिंग शुगर नो पापा और उसके बाद आगे लेज खाएगी इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है अलीना अलिया इतनी सीरियस हो के क्यों खड़ी हो मजा नहीं आ रहा नहीं बस ठीक ही है तो मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी हो फिफ्थ में पढ़ी हो तो क्या कोई गाना या शेर या कुछ चीज सुनाना चाहोगी नहीं अच्छी बात शेर, है शेर, शेर, शेर सुनाओ तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले कि थक जाए सारे वकील लेकिन मुझे जमानत ना मिले जमानत ना मिले टैलेंटेड बच्चे टैलेंटेड बच्चे आगे चलते हैं जी छोटी सी एक गुड़िया मौजूद है इनसे भी बात करते हैं नाम बताओ क्या नाम है दुआ दुआ पोइम आती है एबीसी आती है आलू के चालू सुनाओ आलू के चालू आता है सुनाओ आलू की चालू बेटा कहाँ गए थे बैगन की टोकरी करने सो रहे थे बैगन यादवारी हो रहे थे मम्मी ने बैठ के हंस रहे थे बहुत अच्छे बच्चे इनकी दिखाएं मेहंदी लग रही है क्यों मेहंदी है लगाएं मेहंदी इसके मुंह के ऊपर भी लगाएं आगे चलते हैं जी और अंकल यस अंकल हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम यस अंकल बताएं कुछ सुनाना चाह रही है चलो सुनाएं नाम बता दो अपना मिशाल नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ती हो एट में तो बड़ी होके क्या बनना चाहती हो डॉक्टर बन गई आप जैसी डॉक्टर और आप जैसी बन गई तो हो गया हमारा इलाज सुनाओ गाने सुनाओ अंकल ये सुनाती है सुनाएं चलो दुआ भी अंकल आपका माइक नहीं चलता चल रहा है ये कोई स्पीकर तो नहीं लगा हुआ इसके साथ अंकल आपका माइक नहीं चल रहा कॉन्सर्ट करने आई हो ऊंची आवाज में सुनाओ दिल भी लगे दुआ दुआ हाँ दुआ दुआ भी लगे ना मुझे दवा भी लगे ना मुझे जब से दिल को मेरे तू लगा है नींद रातों बस और भी आता है कोई एक ही आता है बहुत आते हैं तो एक आता कोई और सुनो जल्दी से मैनू तू ले जा किते दूर मेरे आनिया मैनू तू ले जा किते दूर आगे बहुत शुक्रिया ये क्या करने आई है हेलो क्या नाम है फिजा कोई माती है No, बहुत अच्छी बात आनी भी नहीं चाहिए नहीं जी इनके बीच में जाते हैं चारों तरफ जिधर देखे जाए बच्चे ही बच्चे हैं यकीन करें इधर आके बहुत मज़ा आ रहा है और मेरे साथ मिल के आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं सब बच्चे इधर इकट्ठे हो जाएं जितने हैं सब आ जाएं बड़े छोटे इससे बात करनी है इससे तो बात हो गई अभी कोई बात रहती है बाकी आ जाएं सब जितने हैं इधर इकट्ठे हो जाएं और ये वाला भी जी आया हुआ देखने के लिए तो अब क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और यकीन करें इस मीना बाज़ार में आके बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया इन बच्चों के साथ बच्चा बन के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त अल्लाह नेगेबान।